आज हम आपको 5 to 6 ईयर बेबी के लिए ये इजी एंड ब्यूटीफुल ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये ड्रेस बनाने के लिए हम इस तरह के बचे हुए कपड़े का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास भी आपने कोई ड्रेस बना ली है तो उसमें इस तरह से कपड़ा बच जाता है, तो उससे भी आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। तो इसलिए हमने दो पार्ट में कपड़ा लिया है इस तरह से। अब दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बराबर से रखेंगे। अब हम आपको इसके लिए मेजरमेंट बता देते हैं। चेस्ट हम ले रहे हैं 24 इंच, शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच, आर्म होल है 5.75 इंच, नेक फिट है 2.25 इंच, फ्रंट नेक है 3 इंच, बैक नेक है 2 इंच और ड्रेस की लेंथ हम ले रहे हैं 24 इंच। 22 इंच फैब्रिक प्लस 2 इंच फ्रिल के लिए हम ले रहे हैं, तो ये हो गया टोटल 24 इंच। तो देखिए, ये हमने 22 इंच बताया आपको और ये हमने 23 इंच लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि आधा आधा इंच हमारा ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई में चला जाएगा, तो 22 इंच हमारे पास फैब्रिक बचेगा ये। अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट डालेंगे। नेक फिट हमारे पास है 2.25 इंच। फ्रंट साइड में हम यहाँ पर बटन और बटन होल पट्टी बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इसलिए आधा इंच ही कपड़ा हमारा उसमें चला जाएगा, तो यहाँ से हम आधा इंच पर इस तरह से निशान लगा देते हैं। अब हम जो भी मेजरमेंट डालेंगे वो इस लाइन के दूसरी तरफ डालेंगे, तो ये कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा। यहाँ से सारे मेजरमेंट हम इस लाइन से इस तरफ डालेंगे। अब यहाँ से हम नेक विड्थ लगा लेंगे, 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे, तो फ्रंट नेक हम ले रहे हैं 3 इंच, तो इस निशान से इस तरह से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर के पॉइंट को भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिलाएंगे और यहाँ से हम हल्का सा कर्व देते हुए फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने इस तरह से फ्रंट नेक ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच, तो इस निशान से हम दूसरी तरफ 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने शोल्डर के लिए निशान लगा दिया है। आर्म होल हम ले रहे हैं 5.75 इंच, तो इस शोल्डर पॉइंट से हम नीचे की तरफ 5.75 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर वाले पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस पॉइंट से मिला देंगे। अब इस साइड भी ऊपर की तरफ से हम 5.75 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को हम आर्म होल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है, इस पर हम चेस्ट मेजरमेंट डालेंगे और यहाँ से ये जो हमने आर्म होल के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाई है इसका हम हाफ करेंगे। तो इस तरह से इंच टेप रखेंगे और इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर इसका हाफ हो गया है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ से इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए हम आर्म होल शेप ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट हमारे पास है 24 इंच, 24 का फोर्थ पार्ट हो गया 6 इंच प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, तो टोटल हो गया 7.5 इंच। अब यहाँ से इस लाइन से हम 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 0.5 इंच शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे, तो इस तरह से हम 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे नेक लाइन तक इस तरह से। तो ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया है। अब यहाँ पर ये जो हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया था इस निशान से हम नीचे की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से कर्व लाइन बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग अब कंप्लीट हो गई है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है वहां से हम इसे कट कर लेते हैं।
इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट कट करने के लिए भी हमारे पास इस तरह से दो पीस हैं। तो हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है उसे हम इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, बराबर से रखेंगे। बैक नेक हम 2 इंच ले रहे हैं तो इससे 1 इंच कम इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से बैक नेक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक नेक हो गया है और यहाँ से शोल्डर, आर्म होल और साइड की फिटिंग हम इसके बराबर ही इस तरह से निशान लगा लेंगे और नीचे से भी इसके बराबर से ही हम निशान लगाकर इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। ये हमने 3 इंच चौड़ी 2 स्ट्रिप कट की है। अब इन स्ट्रिप से हम फ्रंट पार्ट में बटन और बटन होल के लिए पट्टियां बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो दोनों स्ट्रिप को हम दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। फैब्रिक का जो हमने फैब्रिक लिया है उसका रॉन्ग वाला पार्ट और स्ट्रिप का फ्रंट वाला पार्ट दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह से रखेंगे और इस पर इस तरह से हम सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से फैब्रिक का रॉन्ग वाला साइड और स्ट्रिप का राइट वाला साइड इस तरह से एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इस पर सिलाई लगाकर हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो इसी तरह से दोनों पट्टियां जॉइंट कर लेंगे हम। और ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसके भी हमारे पास 2 पार्ट है इस तरह से। तो इसे भी हम दोनों जो राइट साइड दोनों पार्ट के राइट साइड एक दूसरे की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहां पर हम इसे सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने दोनों स्ट्रिप ज्वाइंट कर ली हैं। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इसकी बिल्कुल किनारी पे इस पे स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड में ये फैब्रिक बराबर से है ये पट्टी। तो इसी तरह से हम दोनों पट्टियों को फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो स्टिच आप बिल्कुल किनारी पे लगाएं। तो ये देखिए ये हमने स्टिच लगाकर दोनों पट्टियां इस तरह से फिनिश कर ली हैं। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट शोल्डर से स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट के फ्रंट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और शोल्डर पर स्टिच लगाकर दोनों पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे।
तो ये देखिए, ये हमने दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर लिया है। अब हम नेकलाइन और आर्म होल फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने ये एक बायस पट्टी कट की है, तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 1.75 इंच। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फैब्रिक के रोंग वाले साइड हम इसे इस तरह से स्टिच लगाकर जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और नेक पर स्टिच लगा लेंगे, और इसी तरह से हम इसे फोल्ड करके आर्म होल भी फिनिश कर लेंगे। तो इसी तरह से हम आर्म होल और नेकलाइन फिनिश कर लेते हैं। नेक पर स्टिच लगाते वक्त इस पट्टी का हम लगभग 0.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से एक्स्ट्रा रखकर इस पर हम स्टिच लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहाँ से जॉइंट किए हैं, तो इस फैब्रिक को हम इस तरह से खोल देंगे और फिर इसके ऊपर हम ये पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करने से यहाँ से फिनिशिंग रहती है शोल्डर से। बायस पट्टी अटैच करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पट्टी को या फिर नेक लाइन को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसे बड़े ही आराम से इस तरह से पकड़कर इस पर स्टिच लगानी है। इस साइड भी लगभग हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और फिर इस पर हम स्टिच लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से पट्टी अटैच कर ली है, और यहाँ से अब हम इसे राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगे और इसके बिल्कुल किनारी पर हम स्टिच लगाकर इसे फिनिश कर लेंगे। इसी तरह से हम आर्म होल पर भी इस पट्टी को राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगे और इसके बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगाकर आर्म होल भी हम फिनिश कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से स्टिच करने से नेक लाइन पर ये बायस पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच हो जाती है। तो ये देखिए, ये हमने नेकलाइन और आर्म होल इस तरह से फिनिश कर लिए हैं। अब यहाँ से हम 8 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो नेक से हम 8 इंच नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान से नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ पर स्टिच लगाकर इसे क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर स्टिच लगाकर इसे बंद कर दिया है, और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर बटन लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इस पर फिटिंग की स्टिच लगाएंगे दोनों साइड, और नीचे की तरफ से हमने 5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाया है दोनों साइड। तो इसके ऊपर ही हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे और इतना पार्ट हम ओपन रखेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से स्टिच लगा ली है दोनों साइड। अब यहाँ पर ये हम बायस पट्टी लेंगे और इसके बॉटम साइड में इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस पर स्टिच लगाकर हम ये पट्टी अटैच करेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों साइड ये पट्टी अटैच कर लेंगे।
तो ये देखिए, ये हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड इस तरह से पट्टी अटैच कर ली है। और ये हमने फ्रिल बनाने के लिए फैब्रिक कट किया है, तो इसकी विड्थ हमने ली है 3 इंच। तो ये हमने दो पार्ट कट किए हैं, फ्रंट और बैक के लिए दो पार्ट कट किए हैं हमने। इस पट्टी की लेंथ हमने एक पार्ट से डबल ली है, तो इसमें हम फ्रिल बनाएंगे, तो जिस पार्ट पर हम इसे अटैच कर रहे हैं उससे डबल इसकी हमने लेंथ ली है, जिस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे हम इस तरह से लगाएंगे, तो ये इससे थोड़ी ही एक्स्ट्रा है, साइड से देखिए इतनी ही एक्स्ट्रा है, और ये डबल फोल्ड है, तो इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे। तो मतलब जहां पर हम इसे फ्रिल को अटैच करेंगे, ये उससे इसकी लेंथ बिल्कुल उससे डबल है, तो इस पर हम इस तरह से प्लीट्स डालकर इसे अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड में इसी तरह से हम फ्रिल को अटैच करेंगे। फ्रिल के बॉटम साइड में इस तरह से हमने पिको कर लिया है। अगर आपके पास पिको करने की सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे जहां पर हमने पिको किया है वहां से आप इसे इस तरह से डबल फोल्ड करें और इसके ऊपर स्टिच लगा लें। तो दोनों पार्ट आप इसी तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगाकर फिनिश कर लें। साइड से भी हमने इस पर इस तरह से स्टिच लगा ली है। अब इसके साइड में यहाँ पर ये जो हमने ओपन रखा है पार्ट, इस पर हम इस तरह से फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा लेते हैं, तो इस तरह से साइड में स्लिट्स बन जाएंगी। दोनों साइड हम इसी तरह से स्टिच लगाकर फिनिश कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों साइड स्लिट फिनिश कर ली हैं। अब हम इस पर फ्रिल अटैच करेंगे। इस फ्रिल के फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। ये देखिए, हमने कट लगाकर निशान लगा लिया है। अब इसका जो आधा पार्ट है उसे हम यहाँ पर, ये जो ड्रेस का फ्रंट वाला पार्ट है, इसके आधे पार्ट पर हम इस फैब्रिक का आधा पार्ट हम अटैच करेंगे। तो इसमें इसी तरह से हम प्लीट्स बनाकर आधे पार्ट को आधे पार्ट पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाकर इसे अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमने निशान लगाया था वो आधा पार्ट हमने बराबर से प्लीट्स डालते हुए अटैच कर लिया है, तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इस पर फ्रिल बना ली है। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड हमने इसी तरह से फ्रिल बनाकर ये फैब्रिक अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये बॉटम साइड फिनिश हो गई है, और यहाँ पर ये हमने बटन और बटन होल बनाकर इसे नेकलाइन भी फिनिश कर लिया है। ये हमारी 5 to 6 ईयर बेबी के लिए इजी एंड ब्यूटीफुल ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।